नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू पाठशाला में। और चूंकि पीजी के बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं सीयूईटी पीजी के, तो उसी श्रृंखला में इस बार लेकर आया है बीएचयू पाठशाला सीयूईटी पीजी हिंदी के बारे में। आप सभी की काफी सारे कमेंट्स थे कि हिंदी का कोर्स अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ। तो एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, तो वही हाल इस कोर्स का भी है कि दुरुस्त एकदम पूरी रणनीति के साथ, पूरे संचालन के साथ, पूरी टीम के साथ ये कोर्स लॉन्च हो रहा है आप सभी के सामने। और आज हम बात करेंगे कि बीएचयू में या फिर डीयू में या जेएनयू में या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, चूंकि सीयूईटी पीजी में बहुत सारे विश्वविद्यालय इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में के पंजीयन होते हैं, और भारत से कुल लगभग 60-70 हजार विद्यार्थी जो है फॉर्म भरते हैं, और उनमें से सिलेक्शन मात्र 6-7 हजार विद्यार्थियों का होता है जो कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हिंदी के लिए सीयूईटी पीजी में जो भी अभ्यर्थी बैठे हैं परीक्षा दें, तो वो अपना 100% देकर आए, और इसी उद्देश्य के साथ कि आपकी सफलता में कोई भी बाधा ना बने, इसके लिए हम आपके समक्ष लाए हैं निराला बैच। निराला बैच हिंदी साहित्य वालों के लिए है, जिसके बारे में भी हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं अपने बारे में कुछ परिचय दूं कि मैं मानस मिश्रा बुंदेलखंड से हूं, और स्नातक बीए मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास किया है, और इसके बाद परास्नातक भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही रहा है। आगे की पढ़ाई के लिए भी मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ही वरीयता दूंगा, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा परिसर और यहाँ का जैसा माहौल है वो अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य विश्वविद्यालय श्रेष्ठ नहीं है, अन्य विश्वविद्यालय भी श्रेष्ठ हैं। तो इस फैकल्टी के साथ आप, अर्थात मेरे साथ आप जुड़े हैं, आप बीएचयू पाठशाला के साथ जुड़े हैं। आगे की जो रणनीति रहेगी, आज का टॉपिक है तैयारी कैसे करें। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है यूट्यूब पे, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ऑफलाइन में भी। यदि हम कहीं जाते हैं, लोग पूछते हैं कि सर पीजी के लिए सीयूईटी पीजी के लिए क्या पढ़ें। अभी आप जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्नातक तृतीय वर्ष अर्थात बीए थर्ड ईयर में इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद या फिर दूर दराज के गाँव में कहीं ना कहीं आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। आपके मन में लग रहा होगा कि जो भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें पढ़ने का एक अलग ही मजा है। तो आप यदि सोच रहे हैं कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय डीयू या जेएनयू में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक सही वीडियो और सही मेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तैयारी कैसे करें और आगे की रणनीति क्या होगी। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। कुछ लोग पूछते हैं सर एग्जाम कब से होने वाले हैं, हम तो उनको ये कहना चाहते हैं कि पहले आपकी जो स्नातक की परीक्षा है उसको आप मन लगा के पढ़िए, साथ ही साथ बस आप बीएचयू पाठशाला से जुड़े रहिए, और उसके जो 2-3 वीडियोस, चार वीडियोस जो होते हैं आप प्रतिदिन देखते रहिए, ठीक है। तो आप इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप सीयूईटी पीजी में हिंदी में यदि आप बैठेंगे तो आप सर्वोत्कृष्ट जो आपका प्रदर्शन होगा वो आपका परीक्षा में दिखेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। प्रश्न है कि सर इसके लिए फ्री कोर्स है या फिर कुछ पे करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो सामने कैमरा लगा हुआ है, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरे हाथ में ये पेन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सब का थोड़ा बहुत खर्चा आता है, ठीक है। आप फॉर्म भरते हैं, आपका फॉर्म का फीस होता है 1000 रुपये। तो यदि आप कुल मिला के मान लीजिए आप ज्यादा नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ही मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि आप कुछ वीडियोस हम फ्री में डालेंगे जो कि इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगी, जैसे कि उसके पाठ्यक्रम क्या रहेगा, मुख्य मुख्य पुस्तकें आपको कौन सी पढ़नी होगी, तो जो जो भी साथी हैं वो क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं। क्रैश कोर्स की एक खासियत ये है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से पूरा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो पैटर्न है वह 25+75 का है। अब आप कहेंगे सर ये 25-75 क्या है, तो 25 जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीके जीएस जनरल अवेयरनेस इन सारे इनसे पूछे जाते हैं, और जो 75 प्रश्न है वो आपके विषय विशेष अर्थात हिंदी से पूछे जाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी का जो वेटेज है, आप समझ सकते हैं कि हिंदी जो है आप पढ़ेंगे और हिंदी की जो समझ जाएगी आपको 75 में से आपको कम 70+ या 72+ तो आप करके ही आएंगे।
इतना समझ लीजिए। दूसरी चीज, आपका जो जीके जीएस और ये वाला पोर्शन है, इसके लिए बीएचयू पाठशाला ने अलग से एक कोर्स लॉन्च किया है। इसमें सीवीटी पीजी का जो पेपर फर्स्ट है या पार्ट ए है, इसको पार्ट ए के नाम जानते हैं, उसकी तैयारी वो लोग करवाएंगे। तो जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हिंदी आती है, ठीक है। हिंदी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी तो बहुत अमूमन सभी लोग जानते हैं, और हिंदी क्या पढ़ना, गांव में अधिकांश लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हिंदी पढ़ा था हुआ, ठीक है। तो हिंदी सिर्फ साधारण हिंदी नहीं है कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्या ही पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण यही सब पढ़ेंगे, या फिर कबीर तुलसी जायसी और बिहारी या इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में हिंदी का ट्रेंड इसलिए भी बढ़ चढ़ कर आ रहा है, क्योंकि संसद में देख लीजिए आप, या फिर राज्यसभा में देख लीजिए, या फिर आप लोकसभा में, या फिर जो मीडिया ही जगत है उसमें आप हिंदी के प्रति लोग कितना सजग हो रहे हैं, उसकी भी आपको एक समझ विकसित होनी चाहिए। क्योंकि हमारा सीधा सीधा मुद्दा यह है कि हमको सीयूटी पीजी कैसे पास करना है, कैसे उसको क्वालिफाई करना है, और किस प्रकार से हमको विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है, मुख्य काम हमारा ये है। तो हम जो सीयूटी पीजी के लिए जो निराला बैच हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी एक आपको थोड़ा सा बता देता है कि 50% ऑफ है। जो पहले 50 विद्यार्थी आएंगे उनके लिए 50% का डिस्काउंट है, 50% छूट है, ठीक है। और चूंकि आप सभी बहुत सजग विद्यार्थी हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूं जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत ही सजग और बहुत ही अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने अभी टीम से नहीं पूछा है, मैं अपनी तरफ से आप सभी को 500 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आप सभी को फ्री करने वाला हूं। ये फ्री रहेगा सिर्फ इन 50 विद्यार्थियों के लिए जो पहले आएंगे, उसके बाद जो भी विद्यार्थी आएंगे उनके लिए अलग डिस्काउंट रहेगा। लेकिन आप जुड़ते रहिए, और ताकि जल्द से जल्द ये क्रैश कोर्स जो है, क्योंकि 2-3 दिन में हम इस क्रैश कोर्स को लॉन्च कर देंगे, और इसके बाद आपकी तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी, और आप क्रमशः धीरे धीरे करके अभ्यास करते रहेंगे। उस क्रैश कोर्स में आपको ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, पीडीएफ रहेगा, और आपके आपके पास क्विज जो प्रश्नोत्तरी है वो प्रतिदिन आपको दी जाएगी। और इसके बाद इसके साथ ही आपको जो 10 दिन में या फिर साप्ताहिक एक आपसे सवाल जवाब की एक प्रक्रिया होगी, सप्ताह में एक दिन आपसे क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे सामने सामने, आप लोग यूट्यूब से जुड़ेंगे, आप ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे, और कुछ ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में करते रहेंगे ऑनलाइन वेबिनार्स के माध्यम से, जिससे हम आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें। तो बने रहिए बीएचयू पाठशाला के साथ और जुड़े रहिए, ताकि आने वाले दिनों में आप सभी सीवीटी पीजी की तैयारी और हिंदी की, खासतौर से हिंदी की तैयारी निराला बैच के साथ और मानसिक के साथ करते रहें। धन्यवाद साथियों।